हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपशिखाज लाइफस्टाइल। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जो झांकी से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई थी, जिसमें मैंने कान्हा जी का घर बनाना बताया हुआ था और कारागार बनाना बताया हुआ था, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आया है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उसको। मैं अपनी झांकी के लिए जो बना रही थी वही उसमें मैंने शेयर किया हुआ है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं होम मेकर हूँ। तो अपने घर के फेस्टिवल्स के लिए कुछ ना कुछ हमेशा से बनाती आई हूँ, तो इस बार मैंने शेयर भी किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, आगे भी इसी तरह से अपना प्यार दीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। और आज मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए सिंहासन। सो देखते हैं आपको कैसा लगता है। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ था, ये जो है एक डब्बा आया हुआ था खाने के साथ, इसमें कुछ आया हुआ था, इसको मैंने रखा था। अब इसके नीचे मैंने स्टैंड के लिए जो बिसलरी बॉटल के ढक्कन रखे हुए थे वो मैंने चिपका दिए हैं, जिससे कि इस तरह से स्टैंड बन जाएगा। अब क्या है कि अंदर इसका जो है ना बेस बनाने के लिए ये दो इसी साइज़ के थर्माकोल के टुकड़े हैं जो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे। अब इन दोनों को चिपकाना है कुछ इस तरह से। अब क्या है कि ये थर्माकोल है, कागज़ होता है तो जल्दी चिपक जाता है, लेकिन थर्माकोल से चिपकने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो मैं इसको जल्दी करने के लिए ये जो पेपर टेप होता है ना, आप पेपर टेप यूज़ कर लो इसके किनारे। तो ये हमारा जल्दी से भी चिपक जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो ये हमारे जो कान्हा जी का सिंहासन है उसका नीचे मैंने ये लगाया हुआ है, ये हो गया है। अब इसकी जो किनारी दिख रही है, इस किनारी में हम जो है एक गोटा लगाएंगे। ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो मैं इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। आप अगर मार्केट से लेके आके लगाना चाहते हैं आप उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ इसको लगाना है। तो ये जो है गोटा है, चारों तरफ से इस तरह से मैंने फेविकॉल से चिपका दिया है। अभी क्या है, इसको चिपकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम आगे का कर लेते हैं। ये मैंने पीछे सिंहासन का जो है ना, हाँ, जो सिरहाना बोलते हो उसके लिए इस तरह का एक शेप रखा हुआ है काट के। और ये जो शेप आपको दिख रहा है ना, आप अलग तरह से भी काट सकते हो। मेरे पास तो एक एम्ब्रॉयडरी जो है ना पैच वर्क रखा हुआ है कपड़े का, तो मैंने उस कटिंग के हिसाब से इसको जो है डिज़ाइन दिया हुआ है और मैं काट के इसको पीछे लगाऊंगी। और फिर वो जो पैच वाला जो हमारा रखा है ना वर्क वाला, उसको इसके ऊपर चिपका देना है। तो अब इसको अलग करना है। तो ये जो कटिंग है अलग हो चुकी है, अभी इस सिंहासन के पीछे इस तरह से मैं लगाऊंगी इसको, यहाँ इसको फंसा देंगे ये। तो ये इस तरह से आएगा देखने में कुछ। अब इसके ऊपर के लिए मैंने कुछ अलग से एक डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ये मैंने ट्रायंगल का शेप लिया हुआ था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैच वर्क का कपड़ा मेरे पास रखा हुआ है, उसको मैं चिपकाऊंगी। तो कपड़े को चिपकाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक जो है कार्डबोर्ड का कपड़ा भी रख दिया है, इसी की शेप से मिलता जुलता काट के, जो कि ईज़िली ये हमारा चिपक जाएगा। तो पहले हम इनको फिक्स करते हैं, उसके बाद कपड़े को लगाते हैं। तो ये फेविकॉल लगाया हुआ है, पीछे वाला ये जो शेप था उसको तो उसी के अंदर फंसा दिया है, तो वो चिपक गया है।
उसमें कुछ नहीं लगाना पड़ा है, बट इसको चिपकाने के लिए ऊपर के लिए फेविकॉल का चाहिए होगा हमें। वैसे तो आप अगर चेक करेंगे तो बहुत तरह के आपको मिल जाएंगे वीडियोस सिंहासन के, बट आई एम श्योर कि आपको इस तरह का आप जो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट मैंने जो है ना तरीका आपको बताया हुआ है, जो कि मैं अपने पर्सनल झांकी के लिए बना रही हूँ। और मैं मोस्टली वही चीज़ यूज़ करती हूँ जो जल्दी ईजिली हो जाए। तो ये है मेरे पास पैचवर्क जिसको मुझे इसके ऊपर अब चिपकाना है। तो ये पीछे जो सिंहासन का सिरहाना बनाया हुआ है उसमें मैंने ये फेविकॉल लगा दिया है। इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं जिससे कि कपड़े में ये अच्छे से चिपक सके। और ये सारी चीज़ें पता है बनाना में तो आपको बहुत इजी दिख रहा होगा, लेकिन बस इसको टाइम देना पड़ता है चिपकने के लिए हमें। तो ये पीछे वाला जो है ना वो मैंने सिंहासन का सिरहाना चिपका दिया, आप देख सकते हो। अभी नीचे वाला सेट करना है। ये जो पैच वर्क का कपड़ा है ना ये थोड़ा सा हैवी है, मोटा है, इसको चिपकने में थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम आ रही है चिपकाने में, बट इसको सेट करना पड़ेगा। जब ये अच्छे से चिपक जाएगा उसके बाद ही हम अपने लाला जी को, अपने छोटे से कान्हा जी को इसमें विराजमान करा के आपको दिखाएंगे कि इसका फाइनल लुक कैसा दिखेगा। और नीचे वो जो बिसलरी की बॉटल के कैप्स लगाए हुए थे ना वो अभी निकल चुके हैं, क्योंकि अच्छे से वो चिपक नहीं पाए थे, उनको चिपका के छोड़ना पड़ता है। कम से कम आधा घंटा आपको उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो चिपकेंगे, नहीं तो वो जो ऐसे ये निकल गए हैं ना मेरे, आपके भी निकल जाएंगे, फिर आपको दोबारा से चिपकाना पड़ेगा। तो ये कपड़ा भी मैंने चिपका दिया है, लेकिन ये टाइम लेगा चिपकने में, अभी इसको थोड़ा देर ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये है फाइनल लुक हमारे सिंहासन का जो रेडी हो गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को इन पे विराजमान करके। तो ये मेरे जो हैं छोटे से लड्डू गोपाल हैं जिनको मैंने इन पे बिठा के आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी बहुत सारी चीज़ें से हैं अच्छे अच्छे सिंहासन बना सकते हैं घर में। आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह, क्योंकि मैं भी एक माँ जो है ना होम मेकर हूँ, और इस तरह के कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ फेस्टिवल में मैं ट्राई करती रहती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए।